नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस पे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आज हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्या होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगा कि अब तक अगर आपने मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं, कैलोरी क्या होता है, हम कैलोरी काउंट कैसे कर सकते हैं, हमारे खाने में कितना कैलोरी होता है, अगर आप नहीं जानते हैं, अगर अभी तक नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा इस वीडियो में उस सभी का लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले जाके वो वीडियोस देखिए तो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो एग्जैक्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, आप न्यूट्रिएंट्स मतलब समझते हैं जो पोषक तत्व जो हमें एनर्जी देते हैं। मैक्रो मीन्स ज्यादा मात्रा में, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए रहते हैं हम उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी के लिए। अब एग्जैक्टली मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज अ प्रोटीन एंड थर्ड इज अ फैट। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव्स अस एनर्जी। एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें मैक्सिमम एनर्जी देता है। अगर मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो हमारे बॉडी को 40% जो एनर्जी चाहिए रहता है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। तो अब आप समझिए कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकेंड इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। हम बात करेंगे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हम कोई भी चीज खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, वो मेंटेन लेवल पे रहना चाहिए। तो आप समझिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो फूड्स बोल सकते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो खाते ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और हमारे ब्लड शुगर लेवल को एकाएक मतलब क्या सडनली वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे फूड जो खाते ही क्विक डाइजेस्ट हो जाए, जिनकी वजह से हमारा शुगर लेवल जल्दी बढ़ जाता है, मेंटेन नहीं रहता, तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप सिंपल लैंग्वेज में शुगर भी बोल सकते हो। मतलब क्या, जो भी आप शुगर वाली चीजें खाते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। आप बेकरी वाली जो चीजें खाते हैं, केक्स वगैरह हो गया, पेटीज वगैरह हो गया, जो आपको टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता होगा लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, अब अभी गर्मियां आ गई हैं तो लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करेंगे। आपको कोक बहुत अच्छा लगता होगा। अब बड़े 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 सेलिब्रिटीज एडवर्टीज करते हैं आपका कोका कोला का, थम्सअप का, लेकिन आपको एक चीज पता होगा, वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते होंगे। मैं अक्षय कुमार साहब की बात कर रहा हूं, वो इस सब का एडवर्टीज करते हैं लेकिन वो खुद यूज नहीं करते होंगे। उनका फिटनेस लेवल आप देखिए। तो आप सीखिए, आप सिर्फ एक्साइटेड होके अपने हेल्थ को ना ध्यान में देते हुए आपने देख लिया कोई सेलिब्रिटी एडवर्टीज कर रहा है, आप जाके उसकी तरह स्टाइल मार के सोचते हैं यूज करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सेहत के लिए बहुत खराब होता है। आप फास्ट फूड जितना भी खाते हैं ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। आप पराठे वगैरह लेते हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। इससे क्या होता है, जल्दी डाइजेस्ट होने की वजह से कुछ घंटों के बाद ही हमें भूख लगने लगती है, हम फिर खाना मतलब फिर कुछ खाते हैं तो ज्यादा कैलोरी का इंटेक हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो जितना कम हो सके उतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप यूज कीजिए, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे फूड जो हम खाते ही टाइम ले वो डाइजेस्ट होने में, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है, तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है और हमें धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, तो हमारे बॉडी भी काम करते रहती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फ्रूट से हमें मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, ओट्स से मिलता है, कॉर्न से मिलता है, स्वीट पोटैटो से मिलता है, ये सब चीजें जो
टाइम लेती हैं, नट्स हो गए आपके, टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। फाइबर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। फाइबर, आपको एक चीज मैं बता दूं, जो रेशा होता है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। रेशा क्या करता है, फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी को क्लीन, जो हमारा फूड पाइप होता बोल सकते हो या इंटेस्टाइन होता है, ये सबको क्लीन करती है। जो हमारे बॉडी में वेस्ट होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। तो आपको ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, आप एक बैलेंस मात्रा में लीजिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो हमें भूख जल्दी नहीं लगेगी, तो हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली कैलोरी कम जाएगा, तो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प होता है। तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए। और एक चीज मैं आपको बोल दे रहा हूं, व्हाट यू ईट इन प्राइवेट यू वियर इन पब्लिक। आप जो प्राइवेटली खाते हैं, आपकी बॉडी, आपके बिहेवियर से, बॉडी शेपअप से, आपके नेचर से, आपके हैबिट से, वो पब्लिक में दिखा देती है। तो आप क्या चूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस पे। और बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि सर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, बहुत कुछ भी करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, वेट लॉस के लिए, एक अच्छे हेल्थ के लिए तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, हेल्दी न्यूट्रिशन। सेकेंड, एक्सरसाइज, नो डाउट आपको 40 मिनट्स 1 आवर एक्सरसाइज करना है। थर्ड, वाटर इनटेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्थ, गुड कोच। आपके पास एक अच्छा हेल्थ कोच होना चाहिए जो आपको प्रॉपर गाइड करे, जो आपको डाइट प्लान अच्छे से समझाएं, आपके बॉडी के हिसाब से डाइट प्लान दे। रेगुलर इंटरवल पर आपका पूरा बॉडी फैट एनालिसिस करके उसके हिसाब से डाइट प्लान चेंज करें। तो आप समझिए, आप बाहर पहनने के लिए आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अंदर खाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, तो ये आपकी सेहत अच्छा होगी। तो अब आपको मैं बोलूंगा, जितना ज्यादा हो सके एक बैलेंस मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए, अपनी सेहत अच्छा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली सभी को शेयर कीजिए। और मैं सबसे पहले ये बोलूंगा, खुद जो मैं बता रहा हूं उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप बेल का आइकन दबाते हैं मेरा वीडियो जो बनता है सबसे पहले आपके पास जाता है। थैंक यू सो मच।